हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। बच्चों हम शुरू करते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 16, सिक्स क्लास। ओके, सब बच्चे आ गए। अब सिक्स क्लास में प्रैक्टिस सेट 16, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, स्कॉलरशिप के एग्जाम में। जैसे कि कंपटीशन एग्जाम है रेलवे, बैंकिंग जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इस प्रकार की एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन कभी कभी रेयर में एक आध बार आ जाते हैं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं, एक्चुअल है क्या इसमें देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लिखा है ईप 317 into 45। देखो ये 317 into 45 इज इक्वल टू, उन्होंने ये आंसर निकाल के दिया है 14265, यानी 14265, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन उन्होंने ऐसा दिया है। ओके, अब मुझे बताइए यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन उन्होंने दिया है, आपने देखा होगा ये आंसर है। अब आगे में आपको ये वाला नंबर दिया है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका आंसर दिया है आपको और आपको इसका आंसर पूछा है, बराबर है। तो मुझे बताओ, ये देखो 317 है ना, 317 into ये 45। मुझे बताओ ये 317 और 45 इसका आंसर कितना होगा? 14265 इतना ही होगा ना, यही वाला तो आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर 317 into 45 ऐसा लिखा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन आपको यहाँ सेम दिया है, सेम सेम, बस इतना है कि यहाँ पर पॉइंट लगा के दिया है। देखो यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये देखो यहाँ 4.5 लिखा है, 45 नहीं लिखा है, यानी यही वाला क्वेश्चन है सेम, बराबर है, सेम है, लेकिन इतना ही क्या पॉइंट लगाकर। तो मुझे बताइए बच्चों, सेम नंबर हो तो आपका आंसर भी उतना ही आएगा, यही वाला आंसर आएगा, लेकिन आपको आंसर में सिर्फ क्या लगाना है? पॉइंट। तो मुझे बताओ यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, या पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1, यानी टोटल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हो जाएंगे? ये 2 और ये कितने हो गए? 1, यानी 3 डिजिट। तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? ये देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा क्लियर करके, ठीक है, क्लियर कर देते। अब इसका आंसर अगर ऐसा हो, तो अगर मान लो मैं यहाँ पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पॉइंट लगाता हूँ, देखो यहाँ पर लगा हुआ है ना, यहाँ पॉइंट लगा है और यहाँ पॉइंट लगा है आपके बुक्स में, देखो तो आंसर तो आपको यही वाला लिखना है बच्चों, 14265 लिखा, लेकिन यहाँ कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है? ये पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, या पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, यानी 2 and 1, यानी कितने डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद में? 3 डिजिट। तो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट चाहिए, तो आपका आंसर होगा 1 2 3, यानी यहाँ पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, यानी आपका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ बराबर नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं क्लीन करके, यही वाला आंसर होगा 14265। तो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, यानी कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट, तो 1 2 3, पॉइंट के बाद में आपके 3 डिजिट चाहिए, तो आपका ये वाला आंसर है बच्चों, सेम आंसर है, बस आपको पॉइंट पुटअप करना है। ओके, सेकंड देखते हैं, इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना हुआ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो यही वाला आंसर हो जाएगा 1010, और यहाँ पर 9157। देखो इसका आंसर ये वाला है, तो इसका भी आंसर यही वाला हो जाएगा, बस इतना है कि देखो यहाँ पर पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट 2 डिजिट, कितने डिजिट हो गए? 4, तो पॉइंट के बाद में आपको 4 डिजिट लगाना है, यानी 1 2 3 4, देखो तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, तो आपका ये वाला आंसर है, यानी आंसर वही है, सिर्फ आपको पॉइंट लगाना है। ओके, तो ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यानी गुणाकार, तो गुणाकार करते हैं, जैसे 2.7 into 1.4। तो बच्चों करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, 2.7 लेना है into
1.4 ऐसे करना है। ओके, अब इतना है कि देखो आपको करना क्या, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, देखो ये हट गया पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को हटा के हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पॉइंट बाद में देखते हैं। कभी भी ध्यान रखो बच्चों, पॉइंट से डरना नहीं, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 14 का टेबल बोलते हैं। 14 का टेबल अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो सिंगल सिंगल टेबल बोल सकते हैं ना, समझ में आया? तो 14 का टेबल आपको आता है क्या बच्चों? नहीं आता है तो देखो कैसे करते हैं, मैं बता रहा हूँ। 4 का बोलते हैं, 4 7 जा 28, 28 का 2 8 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 + 2 कितना होता है 10, फिर यहाँ क्रॉस कर देते हैं, फिर 1 का टेबल बोलेंगे, 1 का टेबल 7 बार 7, 1 का टेबल 2 तो 2, अब इसका प्लस कर देंगे तो 8 यहाँ पर कितना है 7 और ये कितना 3, यानी आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ 3 7 8, देखो 3 7 8, यानी पॉइंट नहीं हो या हो आपको पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर मल्टीप्लाई तो कर ली, लेकिन बच्चों यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1 डिजिट, यानी कितने डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद में भी 2 डिजिट, 1 डिजिट एंड 1 डिजिट, 2 डिजिट होना चाहिए ना, तो देखो ये 1 ये 2, यानी 2 डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद में, यानी यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा 3.78। तो पहले आपको मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर मल्टीप्लीकेशन करो। ओके, और बाद में आपको जितने डिजिट है उतने डिजिट के बाद में पॉइंट दे दो, तो ये आपका आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये वाला है, देखो यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है। ओके, तो हम 6.17 लिख लेते हैं इंटू 3.9, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमेशा ये इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब ये समझो बच्चों के पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो मैं पॉइंट फिलहाल हटा देता हूँ, यहाँ का देखो पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, हट गया पॉइंट। ओके, पॉइंट पॉइंट हट गया बच्चों। अब देखिए, अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 9 7 जा 9 का मल्टीप्लाई 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 1 जा 9 प्लस 6 9 प्लस 6 कितना होता है 15 15 का 5 कैरी 1, 9 6 जा 54 54 प्लस 1 55 55। ओके, अब यहाँ क्रॉस कर देते हैं, अब 3 का टेबल, 3 7 जा 21 1 कैरी कितना 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना होता है 5 और 3 6 जा 18, ये हो गया 18, तो यहां हम प्लस कर देंगे बच्चों। ओके, अब इसकी टोटल 3, यहां पर 6, ये 0, ये कैरी 1 यानी 10 हो गया कैरी 1, 8 और 5 13 प्लस 1 14 14 का 4 कैरी 1 यानी 2, इतना आंसर आ गया बच्चों। अब मुझे बताइए यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों 2, और यह पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है बच्चों 1, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, यानी टोटल पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए बच्चों 3 डिजिट चाहिए, तो ये 1 2 3, देखो ये 1 2 3 3 डिजिट चाहिए पॉइंट के बाद में, तो यहाँ अपने को पॉइंट 24 के बाद में लगाना पड़ेगा, तभी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आपको दिखेगा, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, समझ में आया? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं बच्चों, इसको क्लीन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0 पॉइंट है। ओके, अब 0.57 इंटू 2, तो आपको करना क्या है बच्चों, 57 इंटू 2 करना है, पॉइंट मैंने छोड़ दिया, पॉइंट फिलहाल नहीं, तो चलो 57 7 2 जा 14 कैरी 1 5 2 जा 10 प्लस 1 11, हो गया। अब बच्चों पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, 2 के पास कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो अपने को भी पॉइंट के बाद में आंसर में 2 डिजिट चाहिए, तो 1 2 यानी 2 डिजिट चाहिए, तो बस यहाँ पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद में आपको 2 डिजिट दिख रहे, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर 5.04 है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, देखो पॉइंट एंड 0.07
सेवन है, ओके। तो आप पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर मल्टीप्लाई करना बच्चों कभी भी, ये जीरो पॉइंट है, हाँ जीरो पॉइंट, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर, सिर्फ सेवन है ऐसा समझकर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो सेवन फोर जा 28 और सेवन फाइव जा 35, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, हो गया। अब मुझे बताइए पॉइंट के बाद में यहाँ कितने डिजिट है 2 और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 3, तो आपको पॉइंट के बाद में 3 डिजिट दिखना चाहिए, तो ये 3 डिजिट यानी इसका मतलब यह पॉइंट है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3.528। तो यह समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही सिंपल है, कभी पॉइंट से डरना नहीं है, डेसिमल पॉइंट से डरना बिल्कुल नहीं है, पॉइंट नहीं है ऐसा समझकर मल्टीप्लाई करके आप पॉइंट काउंट करके आप पॉइंट पॉइंट लगा सकते हो, ओके। चलो अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, देखते बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर फोर देखते क्या लिखा है यहां पर, पढ़ते हैं। वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, वीरेंद्र ने 18 बैग्स राइस के लाए, यानी चावल की कितनी बोरियां लाई 18, ईच बैग वेट 5.250, यानी 5.250 केजी का मतलब होता है 5 केजी और ये 250 ग्राम, 5 केजी और 250 ग्राम ऐसा अर्थ होता है बच्चों, जहाँ पॉइंट लगाए तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं जैसे 5.250, तो इसको हम ग्राम बोलेंगे और इसको हम केजी कहेंगे, यानी 5 जो है वो केजी में हो गया, पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो ग्राम में हो गया, ओके। तो यह समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले। वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, ईच बैग वेट, हर एक बैग का वेट है 5 केजी 250 ग्राम। हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टूगेदर, हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टूगेदर, यानी उसने कितने केजी राइस परचेस किया, यानी कितने केजी राइस लाया, बाय यानी खरीदना, हो गया। तो कितने केजी चावल खरीदा, ये वाला क्वेश्चन एक पूछा, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है और दूसरा एक क्वेश्चन मार्क है, यानी दो दो आंसर पूछे, तो पहले तो एक ही आंसर निकाल लेते। 18 बैग्स राइस लाए, यानी 18 बोरिया लाई, ईच बैग, हर बैग 5 किलो 250 ग्राम, ऐसी 18 बैग लाई, तो इसका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखते नंबर ऑफ बैग, देखो आप आंसर में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बैग, नंबर ऑफ बैग कितना है 18, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, वेट किससे करना है, वेट 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 ऑफ ईच बैग, वेट ऑफ ईच बैग कितना है, वेट है 5.250, ओके। अब नंबर ऑफ बैग कितना है 18, तो इसको मैं यहां से हटाकर यहां लिख लेता हूं, ठीक है 18। चलो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते बच्चों, गुना कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है, बड़ा नंबर को ऊपर लिखना काफी अच्छा होता है ना, और इनटू 18 ऐसा कर लेते हैं, 18 0 0 18 5 जा 90 90 का 0 कैरी 9 18 2 जा 36 36 प्लस 9 45 5 कैरी 4 18 5 जा 90 90 प्लस 4 94। अब मुझे बताइए बच्चों पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है यहाँ पर, 3 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में आपको कितने डिजिट चाहिए 3 डिजिट, यानी आपका आंसर आया 94.500। अब मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ, टिप्स बराबर ध्यान रखो बच्चों, ये टिप्स, कभी भी अगर पॉइंट हो, पॉइंट के बाद में कोई नंबर हो, नंबर के बाद में जो जीरो होते हैं ये इनवैलिड जीरो होते हैं बच्चों, कोई काम के नहीं रहते ये जीरो। आपका आंसर है 94.500, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ पहले, है ना, तो ये प्लेस मैं हटा देता हूँ, यानी थोड़ा सा क्लीन कर देते। तो अभी आपको मैं थोड़ी सी टिप्स बता रहा हूँ, वो बराबर ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे वहां गलती करते हैं। अगर मान लो मैंने कहा 1.5, ये 1.5 है, लेकिन अगर मैंने यहाँ जीरो लगाया तो ये वाला जीरो लगाया, इसके बाद में और जीरो लगाया और जीरो लगाया और जीरो लगाया और जीरो लगाया, तो ये जितने भी जीरो है ना ये कोई काम के नहीं, इनवैलिड जीरो, ये बेकार जीरो है, बेकार, कोई काम के नहीं, काम नहीं है, काम नहीं है इस जीरो का, बराबर है, ये इनवैलिड जीरो कहते हैं। तो इनवैलिड जीरो मैंने यहाँ लिखा 94.500,
तो ये जो पॉइंट के बाद में कोई नंबर हो और लास्ट में जीरो, पॉइंट के बाद में कोई नंबर के बाद में लास्ट लास्ट में जीरो हो, तो ये इनवैलिड जीरो, इनवैलिड जीरो बराबर है, बेकार के जीरो, कोई काम नहीं है। यानी यहाँ पर 94.500 में से ये दो जीरो निकल जाएंगे, कोई काम के नहीं रहते, वो एडिशनल लगाए जाते हैं, तो आपका आंसर 94.5 हो गया बच्चों। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, बराबर है। नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लो, या तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा फिर से समझा के दीजिए, तो मैं आपको समझा कर दे दूंगा, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया बच्चों 94.5। अब फाइव नहीं है बच्चों, 500 है, तो मैंने पहले ही कहा था कि ये दो जीरो कोई काम के नहीं, लास्ट वाले जीरो जो इनवैलिड होते हैं, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं, हट गए। अभी ये पहला आंसर, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हाउ मच राइस डिड ही बाय टुगेदर, तो यहाँ पर आपको ये वाला आंसर हो गया पहला, ये पहला आंसर। ओके अब सेकंड, इफ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज, अगर राइस की कॉस्ट 42 रुपीज पर केजी है, पर केजी 1 किलो की राइस की कॉस्ट 42, तो आपने कितने केजी राइस लाए, 94.5, तो हाउ मच डिड ही पे, तो आपको फिर से इसको गुना करना है मल्टीप्लीकेशन 42 से। तो कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी, पर केजी कॉस्ट कितना है बच्चों, 42। अब मैंने पहले ही कहा आपको पॉइंट नहीं है, ऐसा समझकर मल्टीप्लाई कर लेना, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बराबर है 42, देखो 5 2 10 31, 4 2 8 8 + 1 9, 9 2 18 ये हो गया। अब यहाँ पर 4 5 20 कैरी कितना 2, 4 4 16 + 2 18, 1 4 9 36, 36 + 1 37, तो ये हो गया बच्चों 0 9 8 + 8 16, ये 0 9 हो गया, और 8 + 8 16, या कैरी 1, यहाँ पर 8 9 और 3, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 3 9 6 9.0 हो गया। ये एक डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट, लेकिन मैंने पहले ही कहा था बच्चों क्या पॉइंट के बाद में अगर कोई जीरो हो तो वो इनवैलिड जीरो होता है, तो आपको उसकी कोई जरूरत नहीं, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इस प्रकार से आंसर मिल गया है, बराबर है। तो आपने ऐसा आंसर निकाला, आप चेक कर लो, वीडियो को रोक कर आप चेक कर सकते हो बच्चों, 94.5 × 42 करके देख सकते हो, बराबर है, कितना 94.5 × 42 करके देखें तो 3 9 6 9.0 आता है, लेकिन पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो उस डिजिट के कारण वो जीरो निकल जाएगा। चलो हो गया बच्चों, तो ये वाला आंसर हो गया। तो आपका आंसर, आंसर दो दो आंसर लिखना है बच्चों, यहाँ पर पहला आंसर, पहला आंसर हम लिखेंगे ये वाला हाउ मच राइस, तो हाउ मच की जगह आप क्या लिखोगे, 94.5 kg हो गया, और उसके बाद में राइस, राइस बाय बी बाय ऑल टुगेदर, बस ऐसे शॉर्टकट में ही आंसर लिखना है। और सेकंड आंसर ये वाला, द राइस कॉस्ट 42 पर केजी, तो हाउ मच डिड ही पे, तो ही पे ऐसा लिखना है, ही पेज कितना पे करता है, रुपीज 3 9 6 9 हो गया। ये आपका आंसर है, नहीं ये वाला पहला आंसर है और ये वाला सेकंड आंसर है, तो दो आंसर मिल गए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर सामने में यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदिका हैज 23.50 meters ऑफ क्लॉथ, हैज का मतलब होता है उसके पास होना, हैज का मतलब उसके पास होना, पास पास होना, यानी पास फेल नहीं है, उसके पास होना, कुछ तो भी होना, तो 23.50 meters ऑफ क्लॉथ, तो ये 23.50 meters का मतलब मैं बता रहा हूँ, ये 23 जो है ये मीटर है बच्चों, ये क्या है मीटर, और ये पॉइंट के बाद में जो है वो सेंटीमीटर है बच्चों, ये क्या है सेंटीमीटर, ये जो 23 ये मीटर है और ये 0.50 ये सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद में अगर कुछ हो
तो उसको मीटर लगा हो तो सेंटीमीटर समझ लेना उसको, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हो गया बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। तो मैं यहां से क्लीन कर देता थोड़ा सा, अब स्टार्ट करते हैं। तो वेदिका के पास कितना क्लॉथ है? 23.50 मीटर क्लॉथ। शी यूज, यूज यानी आपको तो पता है यूज का मतलब उपयोग करना, यूज करना। टू मेक 5 कर्टेन, कर्टेन यानी पर्दा, कर्टेन का मतलब क्या होता है? पर्दा। तो उसको 5 पर्दे बनाना है, 5 कर्टेन्स बनाना है, इक्वल साइज के यानी सेम साइज के 5 कर्टेन। ओके, इफ शी कर्टेन रिक्वायर्ड 4 मीटर्स, इफ ईच कर्टेन, अगर हर कर्टेन को, ईच ईच कर्टेन को यानी जैसे उसको 5 कर्टेन बनाना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला एक कर्टेन बना लिया, ये वाला एक कर्टेन बना लिया, सब इक्वल साइज के बना रहे हैं, ये वाला एक कर्टेन बना लिया, एक कर्टेन बना लिया, हो गया ऐसे 5। ईच कर्टेन रिक्वायर्ड 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, हर एक कर्टन को कितना है? 4 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी 4.25, 4.25, इस प्रकार से 4.25, 4.25, 4.25, हर कर्टेन को 2.25 सेंटीमीटर क्लॉथ यूज हो रहा है, बराबर है। तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर यानी बचा रहना, लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा रहना। तो कितना क्लॉथ उसके पास बचा रहेगा? देखो उसके पास इतना बड़ा टुकड़ा है क्लॉथ का, ठीक है, ये वाला क्लॉथ है, और ये कितने मीटर का है? 23.50, बराबर है, ये 23.50 मीटर है। अब इसमें से छोटे छोटे काट काट के वो कर्टेन बना रही है, काट काट के कर्टन बनाएगी, तो कुछ टुकड़ा उसके पास बचेगा, तो कितना बचेगा तो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि 4.25 मीटर के ऐसे कितने क्लॉथ बना रहे हैं हम, 5। ओके, तो टोटल टोटल क्लॉथ, टोटल क्लॉथ यूज फॉर 5 कर्टेन, टोटल क्लॉथ यूज फॉर 5 कर्टेन, 5 कर्टेन के लिए टोटल क्लॉथ यूज देखो कितना होता है। तो सबसे पहले एक क्लॉथ को कितना यूज हो रहा है? 4 मीटर 25, तो 4.25, और ऐसे कितने बनाना है बच्चों आपको? 5 क्लॉथ। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5.25 × 5, 5 5 = 25, 5 कैरी, 2 कैरी, 5 2 = 10 + 2 = 12, 1 कैरी, 5 4 = 20 + 1 = 21। पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो आपको पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रखना चाहिए, यानी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 21.25। यानी ऐसा समझो कि इतना है, 21.25 मीटर क्लॉथ यूज हो रहा है कर्टेन बनाने में, है ना? कितना क्लॉथ यूज हो रहा है कर्टेन बनाने में? 21.25 क्लॉथ यूज हो रहा है। अभी इतना यूज हो रहा है, लेकिन अपने पास तो ज्यादा कपड़ा है, देखो ये 21 है, यहाँ 23 है, ज्यादा कपड़ा है, तो कपड़ा बचेगा ना, बराबर है। तो यहां पर आपको लिखना है हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, तो क्लॉथ लेफ्ट ओवर, क्लॉथ लेफ्ट ओवर कितना क्लॉथ बचेगा, तो इस प्रकार से लिखा। तो आपको क्या करना है बच्चों? माइनस, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। तो 23.50 − 21.25, तो चलो माइनस करते हैं बच्चों। तो ये 50 में से ये 0.25 माइनस करोगे तो 0.25 बचेगा, 50 में से 25 माइनस करोगे 25 बचेगा ना। हाँ, अभी 23 में से ये 21 माइनस करना है, तो कितना बचेगा? 2, तो 2.25 मीटर्स। देखो बच्चों ये वाला आपका आंसर होगा, लास्ट में आपके बुक्स में शायद आंसर है, तो वहां पर आप चेक कर लो, इतना क्लॉथ उसके पास बचेगा, क्लॉथ लेफ्ट ओवर। तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के पास जाएंगे, तब तक के लिए हम थोड़ी दूरी बनाए रखते हैं, 5 फीट का डिस्टेंस बनाए रखिए, ठीक है।